नाटक देखे तो मजा आ गया थी। हाँ स्पेशली तुमने नोट किया वो जो एक्टर्स दुष्यंत और शकुंतला का रोल कर रहे थे, कमाल कर दिया यार। नहीं बहुत अच्छा, तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। मैं क्या बोलती हूँ कान, हम एक और शो देखने चले? एक और शो? हाँ इसी का दूसरा शो, या फिर कोई मूवी देखने चलते हैं थिएटर में। देखो अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ है। दीपा वैसे आइडिया तो गजब का है, लेकिन दीपा एक बात है यार, पूरा दिन भर ऑफिस में काम किया है, उसके बाद एक शो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सेकंड शो थोड़ा ज्यादा टायरिंग नहीं हो जाएगा? मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, चलिए क्या हुआ? अरे चाबी नहीं लग रही है। अच्छे से लगाओ। अरे ताले की चाबी है यार, आराम से लग जाती है रोज तो। लाओ। अरे ये कौन सी चाबी है? ये घर की चाबी नहीं है। अरे हाँ यार गलती हो गई, ये तो मेरे ऑफिस के लॉकर की चाबी है। घर की चाबी ढूंढो। हर ताला अपनी ही चाबी से खुलता है, एक ताले में दूसरे ताले की चाबी नहीं लगती, फिर ये ऊपर वाला जोड़ियां मिसमैच क्यों बनाता है? मिली, ये घर की चाबी है। चाय पियोगे? हाँ अगर मिल जाती तो वुड बी ग्रेट। मैं लाती। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह भाई, खुशबू तो कमाल की आ रही है। पीजिए। एक मिनट, ये एक कप क्यों है? तुम्हारी चाय कहाँ है? नहीं मेरा मन नहीं है, आप पीजिए। मैं अकेले पीऊंगा? वाह क्या चाय बनाई है। बैठो ना। मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। अरे बैठो ना, बैठो ना। बातें करते हैं यार, कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। चलो गिरो। एक सवाल पूछूं दीपा? पूछिए ना। तुम्हारे पापा ने दीदी से पहले तुम्हारी शादी क्यों कर दी? वो मुझे क्या पता। I understand, तुम्हें लग रहा होगा अचानक से ये सवाल क्यों, ऐसे ही काफी दिनों से मन में था। जस्ट वो एक्चुअली ना दोनों की शादी की बात चल रही थी, मेरी पहले तय होगी तो मेरी हो गई। कितनी सुंदर है तू दीपा। ऊपर वाले ने जैसे किसी सांचे में ढालकर बनाया। शकुंतला? नहीं नहीं, बेचारी शकुंतला को उसका दुष्यंत क्या समझेगा। तो आम्रपाली ही ठीक है, कालिदास के नाटक की बेचारी शकुंतला बड़ा तरस आया। कैसे एक बेवकूफ लड़की पूरी जिंदगी भर एक छलिए लड़के का इंतजार कर सकती है। इतनी सुंदर हूं मैं। क्या कान, जब देखो ऑफिस का काम, कभी कुछ और भी कर लिया करो। डार्लिंग दिन भर ऑफिस के काम से इतना दौड़ना पड़ता है कि और कुछ करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लोगों का बीमा करवाते हो, भागना तो पड़ेगा ही। अच्छा वो एक इंस्पेक्टर ने जो पॉलिसी करवानी थी उसका क्या हुआ? हो गई ना, और उसके साथ साथ तुम्हें पता है चार और लोगों की भी। चार और लोग कौन? इंस्पेक्टर मनोज,
उनकी बीवी, उनके दो हवलदार और उनके साथ चार लोग और आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हो ना, बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली हूँ। कमाल करती हो बीवी, उनसे झूठ बोलूंगा, मैं पेमेंट स्लिप दिखाता हूँ। छोड़ो, ये पेमेंट स्लिप देख के मैं क्या करूँगी। अरे क्या कर रही हो, प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट करने दो। मुझे तो बस लव यू टू, लेकिन थक गया हूँ यार, सीरियसली। मैं भी थक गई हूँ। स्ट्रेंज, दिन भर लोगों का इंश्योरेंस करने के लिए पूरे शहर में दौड़ता हूँ मैं, और थक तुम गई हो, वो भी घर पे रह के। सही है, मैं जरा ले जाऊँ। I need to lie down. दीपा सोने दो प्लीज। तुम्हें जब देखो सोने की पड़ी रहती है, मेरी खुशियों का कोई ख्याल नहीं है ना दीपा। मैं उब गई हूँ इस माहौल से, तुम मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते दीपा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं इस माहौल में नहीं रह सकती, बस। अच्छा दीपा, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने माँ बाप से अलग रह रहा हूँ, और तुम मुझे ही। वाह, बस यही सुनना बाकी रह गया था, इसका सारा ब्लेम भी मेरे सर पे डाल दो। हेलो हेलो, मैं दिल्ली से शालू बोल रही हूँ। क्या बात है साली साहिबा, आज आपने हमें याद किया, भाई हमारे तो भाग्य ही खुल गए। क्यों, याद नहीं करती हूँ मैं आपको साली साहिबा? मैंने ऐसे कब कहा, करती हैं कभी कभी, बोलिए ना। दीपा कहाँ है जीजा जी? जीजा जी भाई, क्यों पाप का भागीदार बना रही हैं हमें आप? आपसे उम्र में छोटा हूँ, मुझे चंद्रकांत नहीं तो कान कह के बुला सकती हैं, सीधा नाम बोलिए ना मेरा। साली साहिबा एक मिनट, बाजी? कौन सी बाजी? हाँ, शादी तो पहले ही आपकी हुई है ना, मेरी तो बाद में हुई। भाई ये बात तो है। दीपा से बात करो जीजा जी। आपकी प्यारी बहन सो रही है, एक मिनट रुके मैं जगाता हूँ। दीपा, दीपा, दिल्ली से तुम्हारी दीदी। सोने दो ना। अरे दीदी को नहीं सोने दो, दिल्ली से तुम्हारी दीदी का फोन है, लीजिए बात कीजिए। दीदी का फोन है? हाँ, दिल्ली से बात करो। हेलो, हाँ दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तो कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ, और जीजा जी कैसे? वो तो ठीक है, तू बता दिल्ली कब आ रही है? दिल्ली, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। ओके ओके, जल्दी आना। हाँ जी दीदी, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अरे दीपा, हाँ? चीनी का रखी है? वो नीचे ये थैले में। अरे यार कहाँ रखी है चीनी? अरे वहीं तो रखी है, नीचे थैले में। अच्छा सुनो ना दीदी, मुझे दिल्ली बुला रही है, मैं जाऊँ? तुम्हारी मर्जी। नहीं आप बताइए ना, मैं जाऊँ कि नहीं? भाई तुम मेरी इकलौती लाडली प्यारी बीवी हो, जो तुम्हें अच्छा लगेगा मैं उसे सपोर्ट करूँगा। नहीं, पर जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। ओके, जाओ। सच्ची मुच्ची,
I love you so much. Love you too. अब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? अदरक डाल दी. ठीक है. अच्छा तुम्हारे नहाने के लिए वो पानी छोड़ दूँ? हाँ. गरम या ठंडा? गरम. डार्लिंग मेरी अदरक वाली चाय कहाँ है? ओहो, क्या मूड है? मेरे कलयुग की दिशा, कभी शकुंतला की तरफ भी देख लिया करो, क्या पता कोई कोई. अच्छा जी, कोई का तो पता नहीं, लेकिन इतनी सुंदर शकुंतला होगी तो अनेकों मिल जाएंगे. जल्दी आ जाओ ना दीपा, मिस यू. हेलो. हाँ तुम्हें पता है हम ना घूमने जा रहे हैं. हाँ हाँ हाँ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगी. हाँ मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, ठीक है? हाँ जल्दी आऊंगी. दीपा, दीपा कहाँ गई? हे भगवान, क्या होता जा रहा है मुझे? ताला तो मैंने ही खोला है. मौजी प्रणाम, कान बोल रहा हूँ. ये दीपा आई है क्या आपके यहाँ पे? नहीं नहीं, वो मेरी बात नहीं हो पाई काफ़ी देर से उससे, तो इसलिए थोड़ा परेशान था मैं. नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ. जी जी ठीक है. हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ. इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी दीपा का कुछ पता नहीं चल रहा है. हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने हर जगह फ़ोन किया, उसके माँ बाप के घर, उसके फ्रेंड्स के यहाँ, सब ने बोला कि उनके यहाँ पे नहीं आई है. इंस्पेक्टर साहब, उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है. सर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरी दीपा को कुछ हो तो नहीं गया? इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी दीपा को ढूंढिए. इंस्पेक्टर साहब, कांत, कांत, मौजी, मौजी क्या कर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या किया तूने दीपा के साथ? जी कंट्रोल योर सेल्फ. अरे क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? मौजी, मौजी एक सेकंड, सच सच बताओ. सच सच बताओ नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा. मौजी पुलिस स्टेशन है, क्या बोले चले जा रहे हैं आप? बस हवलदार, इन्हें बाहर निकालो. इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, यही आदमी ने गायब किया है, इसे गिरफ्तार कीजिए. कांत, आपके पास आपके वाइफ की कोई फोटो वगैरह है? हाँ सर, मोबाइल में है. चलेगा, दिखा. वाकई जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो वो दीवाना हो ही जाएगा. क्या दीपा अपने किसी आशिक के साथ भाग गई होगी? हो सकता है. कांत आओ चले. हाँ सर. अरे भाई
हम पुलिस वालों को आराम करने के लिए क्वार्टर मिलता है, थोड़ा आराम करते हैं, तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, फिर चले जाना। आओ। बैठो कल, बैठो, घबराने की कोई बात नहीं, बैठो। मुझे पता है कि बीवी के नहीं मिलने और ससुर के शक करने की वजह से तुम बहुत परेशान हो। होता है कभी कभी कांत, आदमी कसूरवार ना हो तो भी शक उसी पे जाता है। कांत पानी पियो, रिलैक्स। थैंक यू। कुछ बताना चाहोगे कांत? ना भी बताना चाहो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जाना चाहो जा सकते हो। वैसे हम आज ही अपने मुखबिरों को चारों तरफ फैला देंगे। क्या हुआ कांत? कम ऑन, रिलैक्स, ये लो। कम ऑन, डोंट डू दिस कांत। क्या हुआ कांत? सच पूछो तो पहली बार जब तुम्हारी वाइफ का फोटो देखा तब मैं काफी हैरान रह गया था। एक ही सवाल हथौड़े की तरह मेरी जेहन में लगा, क्या दीपा की खूबसूरती कहीं उसका अभिशाप तो नहीं बन गई? बताओ कांत, बात क्या है? इंस्पेक्टर मनोज, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, एक प्यारी सुंदर बीवी, एक अच्छी नौकरी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस बहुत अच्छा संसार था मेरा मनोज जी। बहुत प्यार करता था मैं दीपा से, बहुत सुंदर थी वो, लेकिन उसकी सुंदरता में एक एक दाग था, और वो दाग था उसकी चरित्रहीनता। एक दिन मेरी पत्नी दीपा ने मुझसे कहा, सुनो ना। सुनो। हाँ बोलो। अच्छा दीपा, क्या चाहिए? मुझे बियर पीनी है। अच्छा, गुड। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में बियर पीनी है। मैं भी मजाक नहीं कर रहा, सच में बियर पी लो। ये लो, अभी अभी के अभी मेरे लिए बियर मंगाओ, शॉप पास नहीं है, लो। दीपा तुम्हें शॉप के बारे में कैसे पता है? अरे बाबा आते जाते दिख जाती है, फोन लगाओ। अच्छा बाबा, लगा तो। हेलो बिनिशा वाइंस। हाँ कांत बोल रहा हूँ मैं, कोना हाउस। हाँ दो बियर भेज देना भैया। हाँ लड़के को भेज दो, मैं कैश दे दूंगा। हाँ थैंक यू। दीपा क्या हो गया? देखो ना कितना अच्छा मौसम है, आज संडे है और मैं और तुम अकेले, और मैं अपने पति के साथ ही तो पी रही हूँ, कौन सा किसी बाहर वाले के साथ पी रही हूँ। तुम सच कह रही हो ना? हाँ। कितना अच्छा होता ना जब मैं और तुम साथ में होते हैं। आगे मैं लेके आती। एक मिनट एक मिनट, मैं देखता हूँ। अच्छा ये, सो दो है ना? थैंक यू। एक मिनट,
सर छुट्टे नहीं है। चेंज। थैंक यू सर। थैंक यू। दीपा दीपा तुम सच में बियर पी रही हो? हाँ पर तुम तो ऐसे घूर के देख रहे हो जैसे मैं पहली बार पी रही हूँ। मैं तो बहुत बार पी चुकी हूँ। अच्छा तुमने कभी बताया नहीं तुमने पहले कब पिए? पहले पहले दिल्ली गई थे ना तो मैं और जीजा जी बहुत पीते थे बियर रम विस्की सब पीते थे। और जब वो शालू दीदी घर पे नहीं होती थी ना तो दीपा क्या होता था? वो भी होता था। दीपा क्या होता था? दीपा क्या होता था तुम्हारे? मैं पूछ रहा हूँ क्या होता था तुम्हारे बीच में? हमारे बीच में सब होता था। जो मेरे और तुम्हारे बीच में होता है वो सब होता था। मैं और शीशा जी ना बहुत मजे करते थे। पहले दारू पीते थे बहुत मजे करते थे। पियो ना आज छुट्टी है मैं दूसरी पीती। जानते हो जीजा जी ना मुझे बहुत मानते हैं। जब मैं दिल्ली गई थी ना तो फूले नहीं समा रहे थे मेरी तो हर फरमाइश पूरी करते थे वो। अरे क्या हूँ मैं इतनी देर से बोल रही हूँ और आप जवाब ही नहीं दे रहे। लो मैंने इतनी अच्छी चाय बनाई है। दीपा चाय ठीक है लेकिन मुझे काम तो करने दो। पहले पीछे अच्छी बनी है ना? ठीक है। जीजा जी आप अरे आप आ रहे थे तो हमें बता दिया होता हम दोनों आपको लेने आ जाते स्टेशन। अरे भाई हमने सोचा कि अपनी साली साहिबा और साडू भाई को सरप्राइज दूं इसीलिए बस बिना बताए चले आए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। नमस्ते भाई साहब। कैसे हो साडू भाई? हम ठीक हैं आप बताइए। बस बढ़िया। आइए आइए आप बैठिए। तो आइए बैठिए। और भाई साहब हमें बता दिए होते हम लेने आ जाते आपको स्टेशन। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जी जी आप बैठिए मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और घर पे कैसे सब लोग? घर पे सब ठीक है। आप बताओ आप कैसे हो? चल रहा है। थैंक यू। ये छोड़िए और ये खाइए और हमारे यहाँ की स्पेशल मिठाई है दीजिए। जी साडू भाई आप भी खा लो। भाई साहब अभी हम अभी अभी चाय पिए हैं। और बताइए हमारी दीदी कैसी है? दीदी बिल्कुल ठीक है। तुम दीदी की बात छोड़ो ये बताओ कि तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ मुझे क्या होगा। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। पर इस बार मैं आपको जल्दी जाने नहीं दूंगी है ना जी। इस बार हम इन्हें 3-4 दिन तो रुकवाएंगे यहाँ पर। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुम कहो तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह जाऊं। अच्छा जीजा जी आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ऑर्डर करती हूँ ठीक है? अरे सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं? हाँ हाँ पीने के लिए भी करेंगे ना है ना जी मंगवा लेंगे ना हम। हाँ हाँ
जीजा जी पहले फ्रेश हो जाएं। आइए। ठीक है। हाँ, आइए। मैं जाके फ्रेश होके आता हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ कांत बोल रहा हूँ। क्या अभी? अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। किसका फोन था? दीपा वो एक जरूरी फोन आया था, मुझे बाहर जाना होगा काम से। ठीक है, तब तक तुम भाई साहब को आराम से चाय नाश्ता करो। मैं ध्यान रखूंगी। सुनिए, कितना वक्त लगेगा? कम से कम एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। ठीक है, आता हूँ भाई। हाँ ठीक है। तो मेरी याद नहीं आई तुम्हें? बहुत याद आई तुम्हारी। अच्छा, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। वो तो हम हैं। बस वही जाओ और मत कर पाओ। अच्छा, क्या चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं। जीजा जी बहुत अच्छे हैं। जीजा जी समझते हैं मुझे। नहीं। जीजा जी इस बार मैं आपको ये शर्म औरत पति के घर से निकलते ही तेरी अय्याशी शुरू हो गई। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? भाई साहब सुनो, तू तो साले दिल्ली से तो इसलिए आया है ना ताकि मेरी बीवी के साथ अय्याशी कर सके। तुझे तो निकल मेरे घर से। आप सुनिए तो, निकल मेरे घर से। सुनिए तो, निकल जा मेरे घर से वरना जान से मार दूंगा तुझे। जीजा जी बहुत अच्छे हैं। नहीं। जीजा जी के साथ बहुत मजा आता है। मैं पानी लाती हूँ। ये पानी तो पी लीजिए प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूंगी। पक्का, मैं कसम खाकर बोलती हूँ। I'm so sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैं सच में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दीपा, मुझे खुशी है कि देर से ही सही, लेकिन फाइनली तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा। अच्छा एक बात बताओ ना। हाँ। अब जब इतने दिनों के बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट करें? कहीं बाहर चले, बहुत दिन हो गए साथ में कहीं बाहर के। नहीं दीपा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बताइए ना कहाँ चले। चित्रकूट। चित्रकूट? हाँ। मतलब? अरे मतलब ये कि चित्रकूट अगर हम जाएंगे तो हमारी हॉलिडे की हॉलिडे भी हो जाएगी और तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा। कैसा आइडिया? अच्छा ठीक है। ये क्या है? अरे भाई घूमने के लिए जा रहे हैं। मैं अपनी इकलौती बीवी के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, अगर एंजॉयमेंट का इंतजाम नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। ओके सॉरी, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं इसे वापस रख देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए ना, मैंने मना कब किया? मैं तो बस यही पूछ रही थी, रख लीजिए ना। लग गया। दीपा, मैं चाह रहा था कि इस ट्रिप पे तुम्हारे पेरेंट्स भी हमारे साथ चले। नहीं पेरेंट्स क्यों, नहीं नहीं वो साथ में चलेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये बात तो है। तो मेरी इकलौती प्यारी बीवी जी, ये बताइए कि मजा कैसे आएगा फिर? छोड़िए। अरे बताइए तो सही, क्या कर रहे हैं आप? मजे के लिए आपके पतिदेव पर क्या क्या करना पड़ेगा? क्या कहते हैं वो, योर विश इज माई कमांड, राइट? रुको रुको रुको। अरे भाभी क्या हो गया? दीपा। अरे क्या हुआ भाभी, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बहुत लंबा जाना है हमें। अरे रिलैक्स यार, आराम से पहुंच जाएंगे। तुम लोग भी आओ ना, आगे बहुत सुंदर लेक है। कांत आओ। कमिंग कमिंग। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। चलो। हाँ। अरे कांत भाई, ये तो मजा आ गया। सुने तो सुना गया। आगे और भी मजा आएगा। अच्छा दीपा, हम यहाँ से ना वो थोड़ी दूरी पे उधर दिखाई दे रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, उधर चले। चलो आओ। कितना सुंदर है ना। कांत साहब ये लो आपके चार ग्लासेस। अरे वाह वाह पांडे जी, कमाल कर दिया आपने तो। और हाँ, लेकिन ये चार ग्लासेस क्यों भाई? चार ग्लासेस क्यों? चार क्योंकि एक दो, दो और तीन और चार। कम ऑन दीपा, और फ्रेंड जी तो है। कम ऑन कम ऑन बीजी, कम ऑन ना भाई, लाओ ये पकड़। Cheers! And starting with the lady luck. Here she goes. Or, love you too.
क्लिक कौन करेगा? मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ। टॉस कर लो पहले। कौन क्लिक करेगा? हेड्स एंड टेल्स। तुम्हारे पास कॉइंस नहीं है? अरे रोशन एक बात बता, अभी यहाँ से कहाँ का प्लान है यार? कान 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 ये क्या कर रहे हो? कान कान दीपा की मौत के बाद मैंने कार से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद कार से कपड़ों का बैग निकाला, कपड़े उसके ऊपर डालकर उसे आग लगा दी। उसके बाद मैं इलाहाबाद आ गया और मेरे दोस्त अपने अपने घर चले गए। उसके बाद मैं अपने घर आकर सो गया। सुबह उठा और दरवाजे को ताला लगाकर बाहर चला गया। दोपहर में घर वापस लौटकर दीपक को ढूंढने का नाटक किया मैंने और उसी के बाद उसके पिताजी को फोन किया और दीपक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आपको कांटेक्ट किया मनोज जी।